हम संकल्प लेते हैं हम अपनी समाज को, अपने पंचायत को, अपने गांव मोहल्ला को, अपने शहर देश को स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छता से मुक्त समाज बनाएंगे। स्वच्छता से मुक्त हम देश बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं आज के बाद किसी तरह की कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, दोनों कचरा को अलग अलग रखेंगे और अलग अलग कचरा प्रबंधित करके हम डस्टबिन में हम उस कचरा को प्रवाहित करेंगे। नमस्कार, आज हम लोग आए हैं अकबरपुर बेग पंचायत में। यहाँ की जो मुखिया जी हैं बिशम्बर पासवान जी, आज आपको बता दे 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जयंती है, और इसी अवसर पर मैं यहाँ जो है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, डबल डबल है। इसके लिए हमारे देश के 2 अनमोल रत्न की जयंती है और उसी जयंती पे हर जगह कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अनेकों पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है। उसी के अनुकूल आज इस अकबरपुर बेग पंचायत में जो महात्मा गांधी जी के जयंती पे कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है, यहाँ पे उनकी जयंती मनाया जा रहा है स्वच्छता अभियान को लेकर के। तो स्वच्छता अभियान को लेकर के यहाँ पर पंचायत में अनेकों कार्यक्रम किया गया है, उसी की जानकारी लेने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और यहाँ के मुखिया जी हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। जरा आप इधर दिखा दीजिए मुखिया जी, आज महात्मा गांधी जी का जयंती था जिसको आपने मनाया बहुत अच्छे ढंग से, और गांधी जी का सपना था जो हमारा स्वच्छ भारत हो, तो आपने अपने पंचायत में क्या कार्यक्रम किए हैं? हम अपनी पंचायत कार्यालय की ओर से आपको चैनल को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आज गांधी 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है और गांधी जी का एक ही सपना था जो हमारा पूरे भारत स्वच्छ भारत हो, उनका ये मिशन था और हम लोग भी संकल्पित हैं। हमने अपने क्षेत्रवासियों से, पंचायतवासियों से, गांववासियों से भी अपील कर रहे हैं, आप मुझे सहयोग करिए, जो गांधी जी के जो सपना था हम उस सपना को साकार कर सकें, जिसमें आप लोगों की अहम जरूरी है। अगर आप लोग की सहयोग, आप लोगों की मदद, आप लोगों की सहयोग हमें नहीं मिलेगा तो हम चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। गांधी जी के जो सपना था वह सपना अधूरा रह जाएगा। हमारा देश का जो सपना था, गांधी जी का जो सपना था, गांधी जी का भी जो विचारधारा था, वह विचारधारा से कहीं न कहीं हम अलग रह जाएंगे, उनके जो सपना था उससे हम अलग रह जाएंगे। क्या जी, आज जिस तरह से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम आपके जो है कचरा प्रबंधन के जो कर्मचारी हैं वो भी आए हुए हैं और आपका वार्ड मेंबर भी और समिति भी सारे आए हुए प्रतिनिधि, आप इनके बीच में क्या इनको जो है शपथ दिलाने वाले थे कुछ जो है लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत क्या शपथ दिलाने वाले हैं? हम लोग अभी गांधी जी का जयंती फूल माला अर्पण करके संपन्न किए हैं और जो विशेष सरकार की फोकस है कचरा प्रबंधन से संबंधित, जिसमें हम लोग 23 लोगों की 18 सफाईकर्मी और 2 ड्राइवर, 1 सुपरवाइजर का हमने बहाल किया है और बहाली हो चुका है, प्रोसेस चल रहा है। अब रहा कचरा प्रबंधन को आगे बढ़ाना, WPU भवन का जो निर्माण था वो भी मेरा हो चुका है, कुछ काम बाकी है बारिश को लेकर के और ये पर्व त्यौहार सब के भी लेकर के कुछ काम बचा हुआ है, वह भी हम संपन्न करवा लेंगे। और हम उसी बात को लेकर के आज विशेष ग्राम सभा का भी बैठक बुलाए हैं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, और इसी जगह से हम लोग आज संकल्प लेंगे और संकल्प लेते हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। संकल्प लेते हैं हम अपनी समाज को, अपने पंचायत को, अपने गांव मोहल्ला को, अपने शहर देश को स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छता से मुक्त
समाज बनाएंगे, स्वच्छता से मुक्त हम देश बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं आज के बाद किसी तरह की कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, दोनों कचरा को अलग अलग रखेंगे और अलग अलग कचरा प्रबंधित करके हम डस्टबिन में हम उस कचरा को प्रवाहित करेंगे। ये हम आज संकल्प लेते हैं, जो अपने अपने टोले महल्ले में हम गंदगी पानी नहीं बहाएंगे, रोड सड़क पर हम किसी प्रकार के कचरा को जोर जमाव नहीं करेंगे। हम संकल्प लेते हैं जो कचरा से मुक्त हम अपने समाज को बनाएंगे। एक और बाकी है, आप लोग आज से संकल्प लीजिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो ये दारूबंदी का जो योजना है उसको सफल बनाएंगे, नशा मुक्ति को सफल बनाएंगे। और आप लोगों के अगल बगल में अगर कोई दारू बेचता है तो उसका मद्य निषेध का टोल फ्री नंबर हर एक जगह पे लिखा गया है, हर एक बिजली के खंभे पे देखिए लिखा गया है। आप लोग कॉल करके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और अपने पंचायत को, अपने टोला मोहल्ले को नशा मुक्त बनाइए, ताकि उससे नशा मुक्त रहेगा बिहार तो ही बढ़ेगा बिहार। अगर नशा मुक्त नहीं रहेगा, दारू बंद है बिहार में, दारू बनता नहीं है, बनता है अभी देसी दारू जो कि यूरिया से और केमिकल से बनता है, जिससे अनेकों तरह की बीमारी फैलता है और उस बीमारी से काफ़ी लोग मरते हैं। गरीब मजदूर हैं हम लोग, उतना पैसा नहीं है, 150 रुपया में दारू की पाउच मिलती है जो पी करके आदमी मरता है। इससे पहले भी काफ़ी लोग मर चुका है, आप लोग तमाम न्यूज चैनल पर भी, अखबार में भी, टीवी चैनल पर भी देखते हैं। इसके लिए आप लोग ध्यान रखिए, अगर दारू कहीं बनता है तो आप लोग खबर कीजिए, आप लोग का नाम गुप्त रखा जाएगा और वहां से आकर के प्रशासन पकड़ के ले जाएगा। अगर आप लोग को उससे दिक्कत है, डर लगता है, तो मुखिया जी के नंबर पे आप कॉल करके इनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो अपने पंचायत में इस जगह दारू बिक रहे हैं, मुखिया जी अपना आगे प्रशासन को खबर करके उसको अरेस्ट करवाएंगे। तो बिहार के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं, हम सब लोग संकल्प ले, और जब तक हम लोग सब लोग संकल्प नहीं लेते हैं तब तक हमारा समाज नशा मुक्त समाज नहीं बनेगा। तो हम लोग सब कोई संकल्प, हम संकल्प लेते हैं, हम अपनी गांव समाज को, अपने पंचायत को, अपने शहर और बिहार को हम नशा मुक्त समाज बनाएंगे। हम नशा पीने वालों को, नशा में घूमने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी समाज में अगर नशा पीकर द्वेष फैलाएगा तो हम लोग संकल्प लेते हैं उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम सब आदमी नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे सहयोग करिए। कोई दारू तारी पी करके अगर पंचायत में अफरा तफरी पैदा कर रहा है तो मेरे कार्यालय पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, वैसे बहुत सारे लोगों को मेरा नंबर प्राप्त है, आप तुरंत मुझे हमारे नंबर पर में आप कॉल करिए, हम प्रशासन को बुला करके उस नशा मुक्ति के लिए जो हम लोग संकल्प लिए, जो नशा पिएगा, जो जहर खाएगा वो तो मरना मरना है, लेकिन हम पूरे समाज को बचाएंगे, ये हम संकल्प लेते हैं।